सर पाकिस्तान जिंदा रहने दे नन के हाथ तरफ प्राप्ति सर सर सर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और एक आईपीसी अधिकारी को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी ने बुधवार कोर्ट परिसर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए तो गुस्साए वकीलों ने और लोगों ने उनकी खूब धुनाई कर दी। ये घटना बुधवार सुबह वेलगाम कोर्ट परिसर में घटी है। वायरल वीडियो में पुलिस आम लोगों की पिटाई से कैदी को बचाती हुई दिख रही है। पुलिस को उसे बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसमें कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। आरोपी का नाम जयेश पुजारी है, उसके खिलाफ कई अपराध भी दर्ज हैं। 6 महीने पहले उसने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और एक आईपीएस अधिकारी को जान से मारने की धमकी दी थी। बुधवार को एक मामले में उसकी कोर्ट में पेशी थी। सुनवाई के बाद जैसे ही वे कोर्ट रूम से बाहर निकला तो उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। हिंडालगा सेंटर जेल का कैदी जयेश पुजारी विभिन्न अपराधों में शामिल है। बुधवार सुबह उसे सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान उसने अचानक पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। इस पर मौजूद लोग वकील आक्रोशित हो गए, उन्होंने उसकी जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने उसे लोगों के चुंगल से छुड़ाया और APC MC थाने ले गए। वहां उससे पूछताछ की गई। जयेश पुजारी ने पहले जेल में रहते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और IPS अधिकारी आलोक कुमार को धमकी दी थी। ऐसा उन्होंने 6 महीने पहले किया था। केंद्रीय मंत्री को फोन पर धमकी देने के मामले में काफी तूल पकड़ा था। पुलिस ने इस मामले में उसे गिरफ्तार भी किया था और इस आरोप के तहत उस पर मामला भी चल रहा है। पुलिस नितिन गडकरी के मामले में भी उससे पूछताछ कर रही है। किसी भी आरोपी ने जेल में रहते हुए भी कई हरकतें की। उसने पहले भी जेल में लोहे का तार निगलने की कोशिश की थी। इसके बाद जेल में उसकी निगरानी बढ़ा दी गई। कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के डॉक्टरों ने उसकी जांच की थी। पता चला था कि उसके पेट में तार के टुकड़े मिले हैं। बाद में उसे डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था। डॉक्टरों ने उसकी चिकित्सा की थी। बाद में डॉक्टरों ने उसे फिट घोषित कर दिया। बुधवार को एक मामले में उसकी कोर्ट में पेशी हुई थी। पेशी के दौरान ही आरोपी ने फिर से बखेड़ा खड़ा कर दिया। ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ ನಂದೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೈತೆ ಸರ್ ನನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೈತೆ ಬಾಕಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಿದ್ದೈತೆ ಸರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸರ್ ಸರ್ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಟು ಜಗ್ಗಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಸರ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ನಾನೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಾಯ್ತಾ ನನಗೆ ಯಾತ್ರ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟೈತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗಂತ ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತರ ಯಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಮೋದಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆಪ್ ದೇಖ್ ರಹೇ ಹೈ ಸೌಗಂಧ ಟಿವಿ ಸೌಗಂಧ वतन की।